नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर की 2024 की रिपोर्ट अनुसार इंडियन मिलिट्री पावर वर्ल्डेस्ट मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के फोर्थ रैंक होल्ड करते हैं। आज इस वीडियो में आइए देखते हैं भारत के स्वतंत्रता के बाद इंडियन मिलिट्री द्वारा कॉन्डक्ट किया गया कुछ मेन ऑपरेशन कब और कहां हुआ था। ऑपरेशन पोलो 1948। इस ऑपरेशन का लक्ष्य था हैदराबाद स्टेट को औपचारिक रूप से भारत में शामिल करना। यह ऑपरेशन चलाया गया था 13 सितंबर टू 18 सितंबर। ऑपरेशन विजय 18 एंड 19 दिसंबर। इस ऑपरेशन का मेन टारगेट था गोवा को पोर्चुगीज कंट्रोल से इंडिया के अंदर लेके आना, और इस ऑपरेशन के बाद गोवा, दमन और दीव इंडिया के कंट्रोल में पूरी तरह से आ जाता है। ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971, यह चला था 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक। इंडियन एयरफोर्स ने यह ऑपरेशन को कॉन्डक्ट किया था तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का जो बांग्लादेश है, और यह ऑपरेशन था बांग्लादेशी मुक्ति सेना के सपोर्ट में, जिसके चलते बाद में स्वतंत्र बांग्लादेश का जन्म होता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971, 4th और 5th दिसंबर यह ऑपरेशन किया गया था। इंडिया की तरफ से ये पहला नेबल असल था पाकिस्तान के खिलाफ, और ये अंजाम दिया गया था पाकिस्तान के कराची हार्बर में, और ये भी बांग्लादेशी लिबरेशन का एक पार्ट है। ऑपरेशन मेघदूत 1984, 13 अप्रैल को ये ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन का टारगेट था सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया में शामिल करना, और सक्सेसफुली कर लेते हैं। इंडियन मिलिट्री द्वारा पहला ऑपरेशन था जो अटैक ऑन द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड था। ऑपरेशन ब्लूस्टर 1984, 1st जून से 10th जून तक चला था। इस ऑपरेशन में पंजाब स्टेट के सिख मिलिटेंट्स एक स्वतंत्र देश का मांग कर रहे थे, जिसका नाम होगा खालिस्तान, और ये मांग किया जा रहा था पंजाब के गोल्डन टेम्पल से। सक्सेसफुली इंडियन मिलिट्री फोर्स इस ऑपरेशन के दौरान सब मिलिटेंट्स को मार डालते हैं। ऑपरेशन राजीव 1987, ये 23 जून से 26 जून तक चला था। इस ऑपरेशन का टारगेट था पाकिस्तानी कब्जे वाली कायद चौकी को इंडिया में शामिल करना, और इस ऑपरेशन सक्सेसफुली कॉन्डक्ट करने के बाद कायद चौकी को वीर बहादुर सोल्जर बाना सिंह के नाम पे बाना पोस्ट रखा दिया जाता है। ऑपरेशन कैक्टस 1988, 3 नवंबर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इस ऑपरेशन का टारगेट था मालदीव का प्रेसिडेंट M.A. गायोन को डिफेंड और सेफगार्ड करना। दरअसल कुछ मर्सनरी मालदीव के प्रेसिडेंट M.A. गायोन को घेर लेते हैं, और इसके चलते इंडियन नेवी, इंडियन मिलिट्री और इंडियन एयरफोर्स तीनों का कंबाइंड ऑपरेशन था ये ऑपरेशन कैक्टस, और सक्सेसफुली मालदीव के प्रेसिडेंट M.A. गायोन को सेफगार्ड और डिफेंड किए थे। ऑपरेशन विजय 1999, इसे कारगिल वॉर नाम से भी जाना जाता है। इस ऑपरेशन 3 मई से 26 जुलाई तक चला है। इस ऑपरेशन का मेन टारगेट था पाकिस्तानी सोल्जर घुसपैठ करके इंडियन टेरिटरी में घुस जाता है और उसको रिट्रीट करना। इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स भी एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, जिसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर, और इंडियन नेवी भी एक ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसका नाम था ऑपरेशन तलवार, और सक्सेसफुली पाकिस्तानी घुसपैठी को इंडियन टेरिटरी से रिट्रीट करने को मजबूर कर देते हैं इस ऑपरेशन। ऑपरेशन पवन 1987, 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये ऑपरेशन चलता है। यह ऑपरेशन दरअसल श्रीलंका LTTE मिलिटेंट से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तो इंडियन सोल्जर श्रीलंका में पीस स्टैब्लिश करने के लिए LTTE के खिलाफ यह ऑपरेशन कॉन्डक्ट किया था, और IPK के जीत के द्वारा इस ऑपरेशन समाप्त किया जाता है। ऑपरेशन पराक्रम 2001, 13 दिसंबर को यह ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दरअसल इंडियन पार्लियामेंट में पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक के बाद यह ऑपरेशन कॉन्डक्ट किया गया था, और यह ऑपरेशन एशिया में सबसे बड़ा मिलिट्री मोबिलाइजेशन का था। इंडिया उसी दौरान पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर में करीब 8 लाख सोल्जर को मोबिलाइज किया था ऑपरेशन पराक्रम के चलते। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 26 नवंबर टू 29 नवंबर। दरअसल मुंबई में 26/11 जो हमला हुआ था पाकिस्तानी टेररिस्ट द्वारा, उस टेररिस्ट को काबू में लाने के लिए इंडियन NSG कमांडर के
51-52 स्पेशल एक्शन ग्रुप के द्वारा यह ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था और इस ऑपरेशन में सक्सेसफुली पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को मार दिया जाता है और एक टेररिस्ट को जिंदा पकड़ लिया जाता है, अजमल कसम। ऑपरेशन बंदर 2019 फरवरी इस मिशन को अंजाम दिया गया। दरअसल पाकिस्तान के बालाकोट एरिया में कुछ आतंकी ठिकाने पर इंडियन एयरफोर्स के 12 मिराज फाइटर जेट से हमला किया जाता है और सक्सेसफुली ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान करीब 300 आतंकी ढेर हो जाते हैं। अब इतने टाइम से मेरी ये वीडियो पेशेंटली देखे, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद।